निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका के पति को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में निगरानी की टीम ने बुधवार के देर शाम आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका के पति को 13,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गौनाहा प्रखंड में पदस्थापित आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका रेणु देवी के पति राजेश कुमार नरकटियागंज बाजार स्थित अपने आवास पर आंगनवाड़ी सेविका पति से पोषाहार व मानदेय भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गौनाहा प्रखंड के भजूतला आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 159 की सेविका सुनीता देवी के पति हरिराज उराव ने मानदेय और पोषाहार के पैसा का भुगतान करने के लिए पर्यवेक्षिका रेणु देवी के पति ने रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत सेविका पति ने निगरानी विभाग में की थी। यह पहला मौका है जब जिले के किसी प्राइवेट व्यक्ति को निगरानी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से इस बात का खुलासा कर दिया गया कि जिले में आंगनवाड़ी केंद्र और ICDS में किस कदर का भ्रष्टाचार लुप्त है और किस तरह पैसे की अवैध उगाही की जा रही है। हाँ, नरकटियागंज में आपको केंद्र संख्या 159 ग्राम भत्तू जला के आंगनबाड़ी सेविका सुनीता कुमारी द्वारा निगरानी में शिकायत किया गया था कि वहाँ के जो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका होती हैं रेणु कुमारी, उनके द्वारा इनका वेतन निर्गत करने के लिए मैंने करीब 13,500 रुपया रिश्वत की मांग की गई थी, जिसका शिकायत इनके द्वारा किया गया था निगरानी में। उसका जांच कराया गया, जांच कराने पर पाया गया कि रेणु देवी और उनके पति हैं राजेश कुमार गुप्ता। तो राजेश कुमार गुप्ता के द्वारा ही भी बोला गया था कि जो बोली है वो पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो तब तक आपका वेतन रिलीज नहीं होगा। तो सत्यापन में बात सही पाई गई। आज उसी क्रम में इनको 13,500 रुपया देते हुए उनके घर के पास से ही रेणु देवी के पति राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। रेणु देवी भी इसमें संलिप्त थी, उनकी हाँ, रेणु देवी भी संलिप्त है, उन पर भी कार्रवाई होगी। SK मोवर DSP निगरानी पटना।